प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। इस वीडियो में हम उत्तर भारत और मध्य भारत के बारे में डिस्कस करेंगे और पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस समय चिल्ली कलान चल रहा है, जो जम्मू कश्मीर में जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है उसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है चिल्ली कलान, फिर चिल्ली खुर्द और फिर उसके बाद चिल्ली बच्चा। चिल्ली कलान शुरू होता है 21 दिसंबर से और ये 29 जनवरी तक जारी रहता है, यानी कि आधा चिल्ली कलान निकल चुका है, यानी इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और 30 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक जो एपिसोड होता है उसको चिल्ली खुर्द कहते हैं और उसके बाद 10 दिन का एपिसोड होता है जिसको चिल्ली बच्चा कहते हैं, यानी कि उसके बाद 29 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक उस जो मौसम होता है, यानी कि सर्दी थोड़ी सी कम होने लग जाती है, उसको चिल्ली बच्चा कहते हैं। तो अभी जो तापमान है बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं और गुलमर्ग में -11 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचा हुआ है और उसी तरह से पहलगांव में -9.1 है और श्रीनगर में -4 डिग्री है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पूरे इलाके में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब इसका कारण यह है कि जो आसमान लगभग साफ हो चुका था और ये जो हवाएं हैं वो उत्तर दिशा से चल रही है, तो उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन सारे इलाकों के साथ साथ गुजरात में भी बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कब सर्दी खत्म होगी, तो अब कम से कम 2-3 दिनों तक ये जो सर्द हवाएं चलेंगी ये रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे ये हवाओं की दिशा चेंज हो जाएगी और जो तापमान है बढ़ने लग जाएगी। और एक और वो है, यानी कि वेदर एक्टिविटी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि 16 से 17 के बीच में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, फिर 18-19 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, एक दिन के गैप के बाद 21 से लेकर के 23 के बीच में तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, यानी कि अब लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। जो 16-17 वाला जो होगा वो काफी कमजोर होगा, पहाड़ों के जो पर्वतीय राज्य हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन इलाकों की ऊंची पहाड़ियों पर हल्का स्नोफॉल और लाइट रेन दे सकता है। 18-19 तारीख को भी इसी तरह का एपिसोड रहेगा, लेकिन 21 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो ज्यादा मजबूत होगा और उसके प्रभाव से कई इलाकों में अच्छा स्नोफॉल एक बार फिर देखने को मिलेगा और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बेमौसम बारिश एक बार फिर देखने को मिलेगी 20-21 या 22 तारीख के आसपास। और आप देखिए, ये जो आप ये दोपहर का पिक्चर है तो इसमें आप देखिए ये जो फॉग दिख रहा है, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तरी राजस्थान में जो घना कोहरा था वो आज छाया हुआ था और विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 मीटर के आसपास, यानी कि 25 मीटर से भी कम देखने को मिली। और अब क्या है कि इस समय ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, नमी ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि जो पिछले दिनों में बारिश हुई थी, हवाओं की रफ्तार कम है, जब लाइट विंड होती है ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और तापमान कम होते हैं, तब क्या होता है कि जो कूलिंग होती है अर्थ की वो बहुत जल्दी, अर्थ का सरफेस बहुत जल्दी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जो हवा होती है अर्थ के आसपास, जमीन के आसपास, उसमें जो वाष्प होते हैं यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो कंडेंस होकर के बादल बना लेती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्लाउड रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इज फॉग, यानी कि अगर जो बादल है वो धरती पर है तो इसका मतलब वो फॉग है। तो उस तरह का घना कोहरा छाने की उम्मीद है अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में घना कोहरा छा सकता है। और जो तापमान है अभी वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, 1-8 डिग्री ऊपर नीचे होते रहेंगे अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि 15 तारीख तक रहेगा। उसके बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद एक आने लगेंगे तो बादल भी छा सकते हैं, तो क्या होगा कि तापमान जो मिनिमम टेम्परेचर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ये फॉग के कारण क्या हो रहा है कि कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है कई इलाकों में, यानी कि दिन के तापमान जब घना कोहरा होता है तो उठ नहीं पाते, क्योंकि पूरे दिन जब कोहरा रहता है तो सूरज की जो किरणें हैं वो पहुंच नहीं पाती और दिन के तापमान गिर जाते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, रात और दिन के तापमान में अंतर कम हो जाता है, जिससे कि पूरे दिन सर्दी का एहसास होता है, जो इस समय दिखाई दे रहा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में। तो ये एपिसोड अगले 2-3 दिनों तक रहेगा, उसके बाद जो सुबह के तापमान है वो बढ़ने लग जाएंगे और हो सकता है कि बादल छाए, लेकिन जो बारिश की संभावना वो 20-21 तारीख के आसपास ही दिखाई दे रही है। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा, यानी कि पूरे बाकी इलाकों का जो अपडेट होगा पूरे भारत का, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसको नेशनल वीडियो कहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।